I grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. It's how I understand what I want. सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर अनदर इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो एंड डे तो भाई आज हमारे साथ है द वन एंड ओनली माइटी टी आर वन फाइव माई टी की बोल रहे भाई अपने शहर में सबसे ज्यादा लोडेड यही गाड़ी आज हम इसका रिव्यू वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे आज हम देखेंगे थोड़ी सी तो आपको डिफरेंस दिख रही होगी तो इस चीज के बारे में बात करेंगे इसमें क्या कुछ लगा है एंड कहाँ से क्या चीज आया है कितने का आया है एंड सबसे पहले बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को तो भाई वेलकम टू अगेन 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 तो भाई की गाड़ी है, है 17 राइडर तो भाई डिटेल में बताना कि इस गाड़ी में आपने क्या कुछ लगाया है एक्चुअली भैया सही बताऊं तो मैंने okay. इस गाड़ी में बहुत कुछ लगवा चुका है ओके okay, वो तो दिख रहा भाई अलग से समझ में आ रहा है कि भर भर की गाड़ी में भरा गया है आ, तो ये सब इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि क्या क्या भर भर चीज़ कराना इस गाड़ी में इस गाड़ी में जो भी दिमाग लगा है मेरा लगा है okay. किसी तो मैं, नहीं सकता कि मैं उसकी गाड़ी से देखा अच्छा। वैसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपने है। से जो -जो कर सकता था मैंने सारी चीजें की राइट right. अपन स्टार्टिंग कहाँ से करें ऊपर से पीछे से आगे से कहा से जनरली लोग फ्रंट से ही करते हैं तो अपन से ही अपन मेनली मैं इस गाड़ी में विंडशील्ड जो होती है उसको मैंने कटवा के लगाया है क्योंकि देखिए इस गाड़ी में विंगशील्ड मेरे को लग नहीं पा रही थी क्योंकि ये एक तो मेन क्या होता है जैसे विंगशील्ड जो होती है वो हल्की बाहर निकली जाती है उससे मेरे को वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने इसको कटवा दिया ओके। तो भाई, मोटर भी है तो यहाँ पे जब कैमरा आता हाँ, है थोड़ी सी

जुगाड़ टाइप okay. जैसे ये जो आँख दिख रही है आपको okay. ये मेनली जुगाड़ है okay. इसमें... अच्छा, ये रेड हाँ, है, रेड हाँ, कलर ये रेड कलर की फिल्म चढ़ी है इसके ऊपर okay. ऐसे मैंने बहुत सारा हज़ार, तो भाई देख रहा हूँ ना जुगाड़ दिमाग जब हल्का सा लाइक कर देना इसी बात सब्सक्राइब जरूर कर देना चलो सेकेंडरी थर्ड क्या है अपने ये विंग्स भी मेरे को महंगे पड़े ओके okay. रीवा में मिलते नहीं है हाँ। आपने देखा होगा वो सिंपल वाले सिंपल एक सिंपल छोटे छोटे वाले आते हाँ। जो अभी आपके आरआर में आ रहा है आर, तीन दस में हाँ। वो वाले आ रहे थे मेरे को वो चीज पसंद नहीं थी okay. मेनली मैंने लाई दिल्ली से ओके okay. क्योंकि ये चीज मेरे को रीवा में नहीं मिल रही थी okay. ये अराउंड कॉस्टिंग मेरे को पड़ी इसकी थ्री इस चीज की बस भाई एक इस छोटी सी चीज है एक ये बबल वाइजर दूसरा विंग्स

थर्टीन हंड्रेड और ये सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड का स्लाइडर और ये आपको मिल जाएगा फ्रो ये आपको मिल जाएगा थर्टीन हंड्रेड का ठीक है अब चलते हैं थोड़ी सी आ, सेंटर में आते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है सेंटर में वैसे तो कुछ नहीं है यहाँ पे भाई का चैनल हाँ। का नाम दिख रहा होगा अतिशय एम पी सत्याडा अगर डिटेल वीडियो चाहिए ना कि आ, कहां से लाए कैसे लाए वो सारी की सारी वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पे आप वहां पे जाके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लाना है आपको सामान गाड़ी का ठीक है अब चलते हैं पीछे पीछे भाई पीछे, जो पीछे से तो गाड़ी लुक, आ रही है ना भाई मतलब कुछ ज्यादा ही जबरदस्त लग रहा है मैं पाँच से क्लोजर आपको दिखाता हूँ तो भाई ये कितने सेक्शन के टायर है एंड कितने के पड़े थे ये मेरे हैं सेक्शन टायर है अच्छा आगे वाला भी चेंज है या ब्रो। भाई देख लो आगे और पीछे दोनों टायर चेंज हैं एंड जो इसकी वजह से लुक बढ़ रहा ना भाई गाड़ी का मतलब अलग लेवल कोई भी अपने रीवा क्या एम पी में बोल रहा हूँ अपने एम में कोई भी गाड़ी इतनी लोडेड आर वन फाइव नहीं लोगों ने बनवाई जरूर है कार कार्बन वगैरह वो सब तो <laughs> लिपा पोती करा के लेकिन इतनी लोडेड गाड़ी कोई भी नहीं है एंड भाई ये गाड़ी कितने तक जाती है ये जरूर बता दो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैं उस किस्म का आदमी नहीं है जो भाई अलग से मॉडिफिकेशन ये right. कटवा दो वो भरवा दो आप मेरी गाड़ी देख सकते हो इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे मेरे को कोई छपरी कह सके बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं लोग यहाँ पे भर देते हैं लाइट हाँ। वो इतनी अजीब लगती है कि मैं क्या बताऊं वो मुझे पर्सनली उतना ज्यादा पसंद नहीं आती है लेकिन जो ये मैट ब्लैक कलर है ना ना एंड इसके साथ जो कलर ट्रीटमेंट यूज किया गया ना, गोल्डन का वो एक अलग रोड प्रेजेंस आपको दिखाता है तो भाई बाकी की जो बातें हैं ना आपको अगर रोड प्रेजेंस देखना है गाड़ी के लुक्स कैसे आ रहे हैं तो चैनल पर जरूर जाकर देख लीजिएगा तो भाई बाकी जो चीजें कुछ कुछ बच रही है जैसे लीवर गार्ड्स वगैरह हो गया फ्रेम स्लाइडर वगैरह हो गया एंड ये सब हो गया ये सब से अपने रिवर में ये सब मिल गया कि गार्ड वगैरह ये अपना ऑनलाइन से मंगाए थे ओके बहुत सस्ते में भी मिल जाते हैं महंगे भी मिल जाते हैं भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता जितना है जितना डिपेंड करता है हाँ, उसके हिसाब से बजट जितना आपका अलाउ करे ना उतना आप जा सकते हो लेकिन छोटी छोटी, छोटी चीजें हैं भाई कोई बहुत तो वैसा नहीं है कि हाँ हमने ये कटवाया यहाँ से उड़वा दिया ये करवा दिया नॉर्मल टेल्ट आईडी है नॉर्मल से बबल वाइजर छोटी छोटी चीज करके गाड़ी इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि इसके सामने कोई दूसरी गाड़ी ला दो ना मेरे को पर्सनली यही गाड़ी पसंद आएगी लुक लुक के लिए मैंने जो लुक जो भाई चाहिए एज ए राइडर तो व्हील कवर भाई ने लगवाया है आ, प्रोटेक्टर्स लगवाए हैं लगवाए हैं गार्ड्स वगैरह बाकी सब चीज वैसी की वैसी है लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से एक बड़ी चीज ऐड हो जाती है गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है ऑन रोड वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है क्यों क्योंकि कुछ कुछ चीजें से माइनस हुई हैं एंड कुछ कुछ चीजें जो प्लस हुई हैं वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का असर तो करते हैं भाई ये गाड़ी वन फिफ्टी फाइव वन फिफ्टी एट तक गई है मैंने मेरे साथ मैं <laughs> मैं था साथ में तब बता रहा हूँ अकेले की बात नहीं है मैं साथ में था ठीक है तो ये सब चीजें कराने से इतना प्लस पॉइंट होता है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड ये छोटा सा वीडियो था एक नॉर्मल ओवरव्यू देने के लिए कि गाड़ी में आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करो तो गाड़ी कितनी खूबसूरत बन जाती है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक शोर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टिल दन टेक केयर बाय